ये क्वेश्चन आपका मिक्सन एलिगेशन का है, तो ये इसको ये क्वेश्चन देखने में भले बड़ा है मगर हम इसे सीधे सीधे छोटे तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल इजी रेशियो मेथड से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3:3:3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से पूरा भरा हुआ है, यानी कि जो 3 बर्तन है उसकी क्षमता का जो रेशियो है 3:2:1 दे रखा है। बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 तथा 4:1 ही है, ठीक है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/2 तथा तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण बनाया गया जिसमें पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि पानी कितना परसेंट होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि दूध तथा पानी का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है तीनों में, यानी आपके पास 3 बर्तन है, ये एक, ये एक, ये दे रखा है, और इसमें जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 5:2, और इसमें दे रखा है 4:1 दे रखा है, और इसमें भी दे रखा है आपका 4:1। आपको इसे 3:2:1 की क्षमता वाले बर्तन में डालना है, यानी कि इसका जो क्षमता होगा कितना होगा आपका 3, इसका जो होगा वो आपका 2, और इसका जो होगा आपका 1 होगा इस रेशियो में। और ये बोल रहा है कि पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/2 तथा तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण बनाया गया, ठीक है, जिसमें पानी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो पहले ये देखेंगे कि इसका जो इस टोटल का जो रेशियो आता है यानी कि जो एलसीएम आएगा आपका, ये 5:2 कितना हो जाएगा 7, ये 4:1 5, ये 4:1 5, तो कुल जो एलसीएम होगा वो आपके 35 के रेशियो में आएगा। ये मैं 35 लेता हूँ, यानी ये 7:5 35, ये भी 7:5 35, ये 7:5 कितना होगा आपका 35, ये 7:7 और ये कितना आपका 5 है, यानी कि पहले वाले को आप किससे मल्टीपल करेंगे, आप इसे 5 से करेंगे, और इसे किससे करेंगे आप 7 से करेंगे, और इसे किससे करेंगे आप 7 से करेंगे, तब तो ये बराबर आएगा। और इसे मिलाना किस रेशियो में, आपको मिलाना है आपको 3:3:2 और आपको किससे में मिलाना 1:3:1 में मिलाना, ठीक है। और फिर ये दे रखा है कि इसका 1/3 भाग लेना, यानी इसका 1/3 लेना, और इसका आपका 1/2 लेना, और इसका आपका 1/7 लेना, ठीक है। तो आप देखिए कटने के बाद क्या बचता है आपका, 3:3 से जाएगा और ये 2:2 से जाएगा और ये 1:7:7:1 से जाएगा, तो बचा कितना 5 बचा, ये 7 बचा और यहाँ पे बचा 1, इसका मतलब इसे 5 से मल्टीपल करें तो ए में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा, यानी कि पहले में जो आएगा 5:5:25, 5×2=10, इसमें 7×4=28, 7×1=7, 4×4=4 और 1×1=1, तो ये पूरा वाटर हो गया, ये 17 कितना हो गया आपका 18, ये 8×5=13, 13×4 कितना हो गया आपका 17, 13×4=17, 2×2=4, 1 कितना हो जाएगा 5, तो टोटल आपका टोटल जो हुआ ये कितना हो 75 हो गया। और वाटर का पूछ रहा है, तो वाटर जो होगा वाटर का जो परसेंट है 18/ कितना होगा टोटल 75 है, ये 100 होगा परसेंट निकालने के लिए, ये आपका 4 times, ये 3, ये 6 times में जाएगा, यानी कि टोटल जो परसेंट होगा वो कितना होगा 24% होगा, यानी कि इसमें जो वाटर का जो रेशियो है परसेंट जो है वो कितना आपका 24% है। अगर ये पूछता नए बर्तन में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होता है, आप हालांकि इसे काट भी सकते हो 90 और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, तो जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का 90:6 के रेशियो होगा, ठीक है, ऐसे भी करके बनाएंगे 6/25 तभी आपका कितना आएगा 24% ही आता है, यानी कि वाटर का जो रेशियो है या वाटर मिल्क का जो रेशियो है 6:90 होगा, या मिल्क वाटर का रेशियो 19:6 होगा, और वाटर का परसेंट आपका कितना होगा 24% होगा, और मिल्क का वेप अगर परसेंट होता तो आपका 76% आता, ठीक है। इस तीन ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है।